हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं और आपके पास भी फ्रेंड्स कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स आप अपनी फैमिली में से जिनका भी आधार कार्ड में एड्रेस सही है उनका आधार कार्ड यूज करके भी आपका आधार का एड्रेस सही कर सकते हैं। ये सर्विस UIDAI द्वारा लाइव हो चुकी है। आप जिन भी व्यक्ति का आधार कार्ड यूज करना चाह रहे हैं उसमें आधार कार्ड के अलावा भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं इसके बारे में फ्रेंड्स वीडियो में आगे बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि अपडेट कैसे करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको किसी भी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप करना है माय आधार टाइप करके फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट है MyAadhar UIDAI, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसमें लॉग इन करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे कि राइट साइड में एक लॉग इन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फिर फर्स्ट नंबर पे आपको फ्रेंड आपका आधार कार्ड नंबर इंटर करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे कि सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड सेंड OTP पे क्लिक करने पर ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेगा। उस OTP को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे इंटर करना है। OTP को इंटर करने के बाद नीचे फ्रेंड्स आपको लॉगिन कर देना है। फ्रेंड यहाँ पे अभी कुछ ऑप्शन अभी लाइव नहीं हुए हैं, जैसे कि देखेंगे कि बैंक लिंकिंग स्टेटस भी एक आने वाला है, अभी इसको लाइव नहीं किया गया है। जैसे ये लाइव होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट सर्विस में चले जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कुछ सर्विसें अभी लाइव नहीं हुए हैं, यहाँ पे एक और सर्विस के बारे में आप देख सकते हैं जहाँ पे फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते फ्रेंड्स कुछ प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये इसके बारे में प्रोसेस बता रहा है कि हेड ऑफ फैमिली से एड्रेस करने की प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है प्लीज इंटर द आधार नंबर ऑफ योर हेड ऑफ फैमिली टू फेस द एड्रेस फ्रॉम आधार डाटा बेस, ओनली रेसिडेंट हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 और ओल्डर कैन बी कंसिडर एज अ HO। यानी कि फ्रेंड्स आपको जिस भी व्यक्ति का आप आधार यूज करना चाहते हैं एड्रेस अपडेट करने के लिए उनका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, जिससे वो आधार डाटाबेस में उनका जो भी एड्रेस है वो फेच कर लेगा। इसके अलावा फ्रेंड अब जिस भी व्यक्ति का आधार यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स उनकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड सेकेंड नंबर पे आपको रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप अपने पापा के नाम से यानी फादर के नाम से एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपके और फादर का रिलेशन का डॉक्यूमेंट हो, यानी कि जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गया, इस टाइप से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 रुपये का चार्ज लगने वाला है। तो फ्रेंड्स हाँ, इसमें आपको कुछ शुल्क जमा करना होगा जो कि 50 रुपये का रहने वाला है। वो कैसे करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड लास्ट नंबर पे बता रहा है जिनके आधार से आपने एड्रेस अपडेट किया है उनके आधार से आपको माय आधार पोर्टल में लॉगिन करना है और आपको रिक्वेस्ट चेक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखें कि यहाँ पे आपका अभी करंट एड्रेस बता रहा है, इसको स्क्रॉल करने फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि डिटेल ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जिस भी व्यक्ति से आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स देखें कि जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर इंटर किया है नीचे ऑटोमेटिकली उनके आधार का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप अपने पापा के आधार से अपना आधार का एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ID सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या फ्रेंड्स राशन कार्ड। तो फ्रेंड्स इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपके राशन कार्ड में आपके पापा का और आपका नाम जरूर अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आपका राशन कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये शो कर रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे ये व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जहाँ भी आपकी फाइल रखी हो उस फाइल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने आगे देख ही लिया था कि इसमें 50 रुपये का चार्ज लगने वाला है। यहाँ फ्रेंड्स आपको आई हेयर बाय कन्फर्म डेट पे क्लिक करना है और नीचे फ्रेंड्स आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। फ्रेंड पेमेंट मोड आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको मेक पेमेंट कर देना है। फ्रेंड मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन खुल चुके हैं। आप फ्रेंड्स किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो फ्रेंड्स आप कार्ड के ऑप्शन में जा सकते हैं, या फ्रेंड्स अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूपीआई का ऑप्शन मैं प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यूपीआई आईडी मांग रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स यूपीआई आईडी हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड नीचे शो क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में आप कोई सा भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो फ्रेंड्स उसको ओपन करके आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स पेमेंट करने के बाद आपके पास एक एसआरएन नंबर आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जिस भी व्यक्ति के आधार से आपने एड्रेस अपडेट किया है उनके आधार कार्ड नंबर से आपको माय आधार पोर्टल में लॉगिन करना है, जैसा कि हमने अपने आधार से लॉगिन किया था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड पेमेंट करने पे जो एसआरएन नंबर आपके पास आया था उसको आपको यहां पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद फ्रेंड आपको यहां पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट यूआईडीआई के पास चली जाएगी और फ्रेंड्स यहां पे आपको ये दिखा देगा कि ये कितने दिन में रिजोल्व होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिनिमम 6 से 7 दिन लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में आपने जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड लगाया है उनका एड्रेस आ जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर फ्रेंड्स आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।